फील्डिंग में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतकर न सिर्फ राजस्थान पुलिस का नाम रोशन किया बल्कि युवाओं के लिए भी वो एक आदर्श बन गए। बता दें कि पुणे में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में बंटी ने राजस्थान पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए ये गोल्ड मेडल जीता है। भीलवाड़ा पहुंचने पर बंटी डायर धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए बंटी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, फील्ड कोई भी हो आप को जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुई 71वीं ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में राजस्थान पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए भीलवाड़ा के बंटी डायर ने राजस्थान पुलिस के साथ ही भीलवाड़ा का गौरव बढ़ाया है और हमारे साथ मौजूद है कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीत कर आए बंटी डायर। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि जो प्रतियोगिता हुई इसका क्या अनुभव रहा और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत मेहनत की थी इसके लिए, काफी टाइम से संघर्ष किया, फैमिली भी जानती है कितना टफ गेम है, क्योंकि डाइटिंग करना फिर हार्ड वर्क, 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग फिर शाम को ट्रेनिंग और फिर वही सब कुछ, मतलब खाना जीरो काप्स पर रहना सब कुछ, मतलब ये कि 3 महीने तक मतलब ना तो कोई काप्स में से जैसे राइस ना चिकन, ओनली फॉर प्रोटीन डाइट पर रहते हैं चिकन और एग्स पे और बॉइल्ड वेजेस पे, तो वो मतलब एक संघर्ष है एक तरह से, बहुत मेहनत लगती है बहुत, लेकिन जब एक वो जब ये मेडल जीते ना तो सारी खुशी उसके सामने सब, मतलब इसके सामने सब फेल है। प्रतियोगिता में कहाँ से खिलाड़ी भाग लिया, कितने पार्टिसिपेंट थे? सर यहाँ पर जैसे हमारा जो क्लस्टर है रेसलिंग क्लस्टर, इसमें बहुत सारे गेम होते हैं जैसे कबड्डी, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग, मतलब जो भी, तो राजस्थान पुलिस के सारे हमारे जो खिलाड़ी थे सबने भाग लिया और सबने मेडल भी दिए हैं, सबने अपने अपने गेम में अच्छे मेडल दिए और पूरी जो भारत की जितने भी पुलिस फोर्स है ना उनके सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल इंडिया पुलिस गेम पूरा सारे पुलिस वाले हम जो है उनका होता है गेम। कितने वेट में गोल्ड मिला सर? मेरे को 90 kg में मेडल मिला है गोल्ड और वो टफ गेम था इस बार, बहुत ज्यादा टफ था लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल विजेता बंटी डायर जिन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर मेहनत लगातार प्रयास से मेहनत सफल होती है और जिस प्रकार इन्होंने भीलवाड़ा का नाम रोशन किया वास्तव में काबिल तारीफ है। इंडिया न्यूज के लिए मैं